दुर्ग साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होने से नाराजगी जताते हुए कॉलेज प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा देकर पास होने के आदि हुए छात्र छात्राओं ने अपनी नाजायज मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पहले वर्ष की परीक्षा में विद्यार्थियों को सेमेस्टर बैकलॉग ना देकर उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया। वहीं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आगामी सेमेस्टर परीक्षा में उन्हें बैठने की अनुमति प्रदान किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और मांग रखी। कॉलेज के प्राचार्य आर.एन. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा और उनके नियमों की विस्तृत जानकारी परीक्षा के पहले दे दी गई थी, लेकिन उस जानकारियों पर इन्होंने अमल नहीं किया और अब जब फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तब अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जो कि जायज ही नहीं है। नीति 2020 के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो स्वशासी महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के उनमें नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर सिस्टम है। इन सब की जानकारी एडमिशन के समय और एडमिशन के पश्चात बच्चों को दी गई थी और कहा गया था क्योंकि इसमें कई तरह के कोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए लगातार आए कक्षाओं में और करें, ये सब चीज़ उनको दे दी गई है जानकारी। और ये बता दिया गया है कि आपको जो है पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में वैल्यूएटेड कोर्सेज भी हैं, स्किल कोर्सेज भी हैं और जनरल कोर्सेज भी हैं, तो तमाम तरह के कोर्सेज होने के कारण इनको पहले से बता दिया गया है कि आप पढ़िए। अब इन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद जब इनके परिणाम अच्छा, उसमें क्या है कि दो विषय में ATKT मिलता है। ATKT का मतलब है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में दो विषय में बच्चा फेल हुआ है तो सेकेंड सेमेस्टर उसको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा विषय अगर फेल होता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलता। ये हम लोगों ने कक्षा में बार बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया है इन बच्चों को, उसके बाद भी सीरियसली नहीं लिया। जब परिणाम निकला है तो इनका कहना यह है कि हमको सब विषय पास करो, अगली कक्षा में बैठने दो, जबकि शासन का नियम है, हम लोगों का नियम नहीं बनवाते, ये ऑर्डिनेंस है और गवर्नर का ऑर्डिनेंस है, गवर्नर थ्रू गवर्नर ऑर्डिनेंस निकलता है और विश्वविद्यालय उसको पारित करते हैं, तो ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे मेरे ख्याल से 20% 25% बच्चे होंगे या फिर बैठेंगे परीक्षा में। जो सिस्टम रहा है ये पहले भी रहा है, जो फेल होता था वो परीक्षा में बैठता था, नहीं परीक्षा में बैठता था। अब हुआ क्या है कि कोरोना के बाद की जो एक सिस्टम बना हुआ है कि सब सोचते हैं सब पास हो जाए, भाई नहीं मेहनत करोगे तो कैसे पास होगे। कोरोना में तो ये था कि भाई घर से आंसर लिखना था तो पास हो गए आप, लेकिन अब तो आपको ऑफलाइन परीक्षा है तो ऑनलाइन परीक्षा में तो अगर नहीं लिखोगे या आपको तो एग्जामिनेशन हाल परीक्षा देनी है, कुछ लिखा ही नहीं है तो फेल तो होंगे ही होंगे। उनका कहना है कि नहीं हमको अगली परीक्षा में तो बैठने की अनुमति थी, नियम चलेगा भाई, नियम से कर तो सवाल ही पता नहीं होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।